तो दोस्तों, बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर की आ चुकी फिल्म शमशेरा के साथ वही हुआ जिस बात का अंदाजा मुझे पहले ही से था। यानी कि इस फिल्म को लेकर, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भी अगर इस फिल्म को पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिलता है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, अन्यथा ये फिल्म जो है वो पहले वीक में 50 करोड़ के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। यानी कि भाई, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और भाई 5 दिनों में इस फिल्म को जिस तरीके का कलेक्शन मिला है उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया ये फिल्म दूसरे हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। भैया, इस सवाल का जवाब तो भैया बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के माध्यम से ही हम लोग समझ पाएंगे। तो भाई, इस फिल्म को इन 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अब तक कैसा कलेक्शन मिला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिनों में इस फिल्म को जिस तरीके का कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद अब बॉलीवुड की आने वाली बाकी फिल्मों को लेकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से सर्वाइव करेंगी, जब इन दिनों बॉलीवुड की हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से धराशाही हो रही है। यानी कि भी आपको याद ही होगा कि जब शमशेरा की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो इस फिल्म को पहले दिन जो कलेक्शन मिला था ट्रेड फिगर के हिसाब से, तो भाई वो आंकड़ा 10 करोड़ का था, जबकि प्रोड्यूसर फिगर हम लोगों के सामने आया था वो था 10 करोड़ 25 लाख रुपीज का। उसके बाद इस फिल्म को दूसरे दिन ट्रेड फिगर के हिसाब से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 10 करोड़ 50 लाख रुपीज का। और भाई, अगर हम लोग बात करें प्रोड्यूसर फिगर की तो भैया ये आंकड़ा भी 10 करोड़ 50 लाख रुपीज का ही था। उसके बाद इस फिल्म को तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था ट्रेड फिगर के हिसाब से वो आंकड़ा था 10 करोड़ 65 लाख रुपीज का। तो भैया वहीं पर इस फिल्म का प्रोड्यूसर फिगर हम लोगों के सामने आया था 11 करोड़ का। यानी कि भैया इस तरीके से इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड कंप्लीट किया था बॉक्स ऑफिस पर। देन उसके बाद जैसे इस फिल्म का वर्किंग डे चालू हुआ पहले मंडे के माध्यम से, तो भैया ये फिल्म बुरी तरीके से धड़ाशाही हो गई भैया वर्किंग डे में। यानी कि इस फिल्म को मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था ट्रेड फिगर के हिसाब से तो वो आंकड़ा था 2 करोड़ 85 लाख रुपीज का, और इसका प्रोड्यूसर फिगर भी सिमिलर था, यानी कि 2 करोड़ 85 लाख रुपीज का प्रोड्यूसर फिगर भी हम लोगों के सामने आया था। देन उसके बाद कल इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है ट्रेड फिगर के हिसाब से वो आंकड़ा है 2 करोड़ 50 लाख रुपीज का, और भैया इतना ही आंकड़ा इस फिल्म का प्रोड्यूसर फिगर का भी आया हम लोगों के सामने। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि 5 दिनों में ये फिल्म ट्रेड फिगर के हिसाब से 36 करोड़ 60 लाख रुपीज का बिजनेस कर पाई है, और वहीं पर इस फिल्म ने प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से 37 करोड़ 10 लाख रुपीज का बिजनेस किया है बॉक्स ऑफिस से। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि इस फिल्म को अब तक वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा 50 करोड़ 82 लाख रुपीज का। यानी भैया वर्ल्ड वाइड तो इस फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है, लेकिन भैया इंडिया में अभी भी ये फिल्म जो है वो इस आंकड़े से काफी दूर है। और भाई, इस फिल्म को इस वक्त जिस तरीके का सपोर्ट मिला है बॉक्स ऑफिस पर उसको देखने के बाद अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया आने वाला हफ्ता जो है वो इस फिल्म के लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है, क्योंकि भैया आने वाले हफ्ते में कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यानी कि भैया एक तरफ होंगे साउथ इंडस्ट्री के सुल्तान यानी कि किच्चा सुदीप सर अपनी आने वाली फिल्म विक्रांत रोना को लेकर, तो दूसरी तरफ होंगे भैया साउथ इंडस्ट्री के मास महाराजा यानी कि रवि तेजा अपनी फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी को लेकर, और भाई इसके साथ ही बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम भी अपनी फिल्म एक विलन रिटर्न को सिनेमाघरों में लेकर आएंगे भैया नेक्स्ट वीक में, यानी कि अगले फ्राइडे को ये फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। और भाई, विक्रांत रोना की तो एंट्री कल से ही बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से अनुरोध आएगा कि इस फिल्म को इन दिनों जिस तरीके का कलेक्शन मिला है बॉक्स ऑफिस से उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म भैया 50 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर पाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।